लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में टिकट बंटवारा और आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के अंदर ही कई मुद्दों पर असंतोष पनपने लगा है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। अरविंदर सिंह लवली ने 4 पन्नों के लेटर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हुए गठबंधन को अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताया है। लवली का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर इल्जाम लगाकर बनी थी, फिर उससे अलायंस कैसे हो सकता है। अब सवाल है कि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ये कलेश कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इतने ने अब अरविंदर सिंह लवली को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन कयासों को लेकर अरविंदर लवली ने क्या कहा, सुनिए आप भी। जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं, मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें, शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई हैं। अरविंदर सिंह लवली ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज और उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को टिकट देने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली के लिए पूरी तरीके से अजनबी है। इस बीच पूर्वी दिल्ली की सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार बदल सकती है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की जगह अरविंदर लवली को टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि लवली बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में टिकट बंटवारा और आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस के अंदर ही कई मुद्दों पर असंतोष पनपने लगा है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। अरविंदर सिंह लवली ने 4 पन्नों के लेटर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हुए गठबंधन को अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताया है। लवली का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर इल्जाम लगाकर बनी थी, फिर उससे अलायंस कैसे हो सकता है। अब सवाल है कि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ये कलेश कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इतने ने अब अरविंदर सिंह लवली को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन कयासों को लेकर अरविंदर लवली ने क्या कहा, सुनिए आप भी। जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं, मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें, शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। और मैं अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, बात करूंगा, कहीं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के साथ
गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई हैं। अरविंदर सिंह लवली ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज और उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को टिकट देने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली के लिए पूरी तरीके से अजनबी है। इस बीच पूर्वी दिल्ली की सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी यहां अपना उम्मीदवार बदल सकती है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की जगह अरविंदर लवली को टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि लवली बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।